अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज नानी नवासा किचन में बन रही है बटर पाव भाजी, जो बना रही है नवासे की मॉम। और उसके लिए लगने वाला जो मसाला है पाव भाजी का, वो नानी का होममेड पाव भाजी मसाला है। तो चलो देखते हैं पाव भाजी के लिए लगने वाले चीज़ें। ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे, ये जाएगी अपने कुकर में। ये दो बिग साइज के पोटैटोज हैं, 1 मीडियम साइज कैरेट, 2 स्मॉल छोटे छोटे दो टमाटोज है, 1 प्याली ग्रीन मटर है, हरे मटर ताज़े। ये 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये नमक हिस्बे जायका। ये सब चीज़ें जाएगी अपनी कुकर में। और ये पाव भाजी का जो मसाला बनता है उसके लिए लगने वाली चीज़ें, ये मेन इंग्रेडिएंट है बटर। उसके बाद ये लगेंगे 2 मीडियम साइज के ऑनियन, हरा धनिया, हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च है, ये करी पत्ता है कटा हुआ, 2 मीडियम साइज के, एक छोटा है, एक बड़ा शिमला मिर्च। ये नानी का होममेड पाव भाजी मसाला है। ये लाल मिर्च पाउडर है, जो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है जो हम लोग यूज करेंगे कलर के लिए, और ये टर्मरिक पाउडर है। चलो अभी अपन रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अभी कुकर की चीज़ें हम लोग लगा रहे हैं, तो ये पहले पोटैटो गया, उसमें ग्रीन पीस, कैरेट, ये हम लोगों ने बड़े बड़े पीसेस में कट करके रखा हुआ है, क्योंकि ये वैसे भी कुकर में जाने वाला है, उसके बाद हम उसको मैश करने वाले हैं, तो कटिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ये अपना अभी जो ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, वो हाफ जाएगा अपने कुकर में और हाफ जाएगा अपने फ्राई वाले मसाले में। ये जाएगा अपना नमक, और उसके बाद आप आपके हिसाब से उसमें पानी डाल देना। हम लोगों को ये 1 प्याली पानी लग गया, ये 1.5 वाटी पानी लग गया हम लोगों को अभी ये कुकर जाएगा गैस पे, फिर हम अपन स्टार्ट करते हैं पाव भाजी का फ्राइंग वाला आइटम्स। ये देखिए, ये फ्राई के लिए हम लोगों ने 3 टेबल स्पून बटर लिया है। ये हम लोग अब बटर को मेल्ट करेंगे और इसमें ऑनियन को फ्राई करेंगे। एक तरफ अपना पाव भाजी की जो भाजी है वो गई है, इसको मिनिमम 2 सीटी अपन लेके चेक करेंगे, अगर नहीं हुआ है वो तो हो ही जाएगा और फिर आगे का देख रहे हैं। ये अपना बटर अच्छे से गर्म हो गया है, अभी इसमें ऑनियन फ्राई करके लेंगे। ऑनियन का कलर पिंक ऐसे होने तक फ्राई करने का है, जो उस टाइम पे जैसे जब फ्राई कर अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो हम लोग आपको बता रहे हैं। ये देखिए अपना कलर चेंज हो गया, अभी मैं उसमें अपना 1 चम्मच जो था वो कुकर में गया, अदरक लहसुन पेस्ट का, अभी 1 चम्मच जो है वो यहाँ पे जाएगा। उसके बाद ये कटा हुआ करी पत्ता और हरी मिर्च, इसको अभी अच्छे से फ्राई करके लेंगे। फिर अपना मसाला जो है अच्छे से भून गया, अभी इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। शिमला मिर्च अच्छे से थोड़ा सा पकने के बाद अपना जो सब्जी कुकर में हो जाएगा वो डालेंगे। इसको हल्का सा भूनने के बाद बंद करके रखती हूँ, तो अपना जो शिमला मिर्च है वो जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। ऐसे भी शिमला मिर्च जल्दी सॉफ्ट होता है। अपनी कुकर को 2 सीटी आ गई है, उसको बंद किया है। अभी अपना मिर्ची देख रहे हैं, मैनेज करते हुए ये इसको भी ऐसे दबा दबा के लेंगे। अपना शिमला मिर्च अभी तक अच्छे से हुआ नहीं है, इसको और 2 मिनट के लिए बंद करके रख देते हो। अभी अपन अपनी भाजी का देख लेते हैं। हाँ, भाजी हो चुकी है, अभी इसको हम लोग इसको
मैश करके लेंगे अच्छे से, फिर मैं आगे का वीडियो दिखा रही हूँ। ये देखिए अपना जो वेजिटेबल्स है वो अच्छे से मैश हो गया है। अभी अपन उस तरफ चलते हैं। अपना ये जो कैप्सिकम है वो भी अच्छे से ऐसे दाव को प्रेस कर करके हो गया अच्छे से बारीक। अभी सारी वेजिटेबल्स हम लोग इसमें डालेंगे। ये देखिए अभी अपन जो वेजिटेबल्स है वो अच्छे से इसमें भून के लेंगे। पाव भाजी मसाला में अगर आपको कलर नहीं डालना है तो आप बीटरूट यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं कलर के लिए पाव भाजी कलर के लिए मैं अपना कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ। आपको चाहिए तो आप बीटरूट यूज़ करो, फूड कलर यूज़ करो, आपके हिसाब से जो आपको पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हो। दूसरा चीज़, पाव भाजी के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये वेजिटेबल होना चाहिए, ये यही चाहिए, या फिर ये नहीं है तो पाव भाजी बन नहीं सकता। हमारा जब भी मन करता है पाव भाजी बनाने का, घर पाव भाजी मसाला तो मम्मी का बनाया हुआ रहता ही है, तो घर पे जितना भी वेजिटेबल्स अवेलेबल रहता है हम उसी से पाव भाजी बना लेते हैं। ये देखिए अपना जो ये है भाजी है वो अच्छे से फ्राई हो गई है। अभी मैं मसाले अंदर डाल रही हूँ, तो मैंने एक साइड में किया है और इसमें अभी मैं मसाले थोड़े से फ्राई करके लूँगी, फिर सबको एक साथ कर दूँगी। ये अपना कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर, और ये अपना पाव भाजी मसाला। ये देखिए अपना ये मसाला जो है वो भी अच्छे से भून गया है। अभी इसको पूरा अपने वेजिटेबल्स में मिक्स करके लेंगे। ये देखिए अपना जो मसाला है वो अच्छे से वेजिटेबल्स में मिक्स हो गया है, अच्छे से पाव भाजी का कलर भी आया है। अभी हम लोग इसमें ठीक और पतला करने के लिए पानी डालेंगे। आप आपके हिसाब से, आपको जैसा पसंद है उस हिसाब से पानी डालिए। मैं पहले थोड़ा आधा पहली वाटर मिक्स किया है, देखूंगी अगर मुझे और पतला लगा तो और यूज़ करूंगी, अगर ये कंसिस्टेंसी अच्छी रही तो हम लोग इसी पे बस कर देंगे। अभी यही टाइम, अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी कस्तूरी मेथी इसमें ऐड करेंगे, जो मैंने दिखाई नहीं थी बट डालना है। देखिए ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, अभी और थोड़ा सा पानी लगेगा। अब पानी जो है वो आपके हिसाब से ऐड कर देना। ये देखिए अभी इसको मैं 2 मिनट के लिए बंद करके ढक्कन मार के पकने दूंगी। ये देखिए अपने जो पाव भाजी है वो 5 मिनट पक रही है। अभी इसको हम लोग फाइनल टच दे देते हैं। इसमें कस्तूरी मेथी, अपना जो हरा धनिया, ये डाल के थोड़ा सा पकाएंगे और बंद करके रख देंगे। जब पाव आएगा तो हम लोग उसकी प्लेटिंग करेंगे। ये देखिए ये रोस्टेड कस्तूरी मेथी है जिसको मैंने क्रश करके लिया है, और ये अपना पुदीना है, सॉरी धनिया पत्ती। अब इसको 2 मिनट बंद करके रख देंगे। अपने पाव आ गए, अभी मैं उनको गरम कर रही हूँ। पाव आप चाहे आपकी पसंद के ऊपर है, आपको चाहिए तो सिर्फ बटर पाव गरम कीजिए, आपको चाहिए तो पीली पीली मसाला लगा के मसाला पाव बना दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग बटर पाव ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए बटर पाव बना रहे हैं। मेरी बेटी की पहली मैंने चखी पाव भाजी, बहुत माशाल्लाह मज़ेदार है। आप करो तब आपको समझ में आएगा कि सच्ची से अच्छी है। और देखने के लिए बहुत सारा शुक्रिया, जजाकल्ला खैर। और ये चैनल तो आपको पता है,
कि किसी बच्चे की तालीम के लिए निकाला हुआ है। इंशाल्लाह अल्लाह हम सबों को जज़ाए खैर दुनिया व आखिरत के दोनों ही जज़ाए खैर अता करेंगे इंशाल्लाह। अच्छे रहो, खुश रहो, अल्लाह आपको आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।